फौज ने अंग्रेजी इलाके वल कूच किया। जो कुछ भी दरबार के हुक्मों तो पता चलता है वह यह है कि सिख फौज अंग्रेजी इलाके से कब्जा करना चाहती है। गवर्नर जनरल के एजेंट ने उसकी आग्या अनुसार इस चढ़ाई का कारण पूछा तो सिख फौजियों ने बिना किसी जवाब दे ते अगों कोई उत्तर ना मिलने पर उसने दोबारा पूछा। गवर्नर जनरल सिख कौम वैर वधाउणा चंगा नहीं सी समझदा अते ना ही उस वल्लों सिखां नूं भड़काउण दा कोई काम कीता गया सी ते ना ही वह करना चाहुंदा सी। इसलिए वह अजिहा कोई भी काम नहीं करना चाहुंदा जिस नाल सिख फौज अते अंग्रेजी फौज विच वैर वधे। जदों अंग्रेजां दे दुबारा पुछण ते भी कोई उत्तर ना मिलिया जदके लाहौर विच सिख फौजी उन्हां दी तैयारी बहुत जोरां ते सी। इस तों बाद अंग्रेजां ने भी अपनी फौज नूं सरहदां उत्ते जाण लई कहा क्योंकि यह जरूरी सी कि सरहद उपरलियां फौजां नूं सहायता भेजी जाए। हुण सिख फौजां ने बिना किसी कारण दे अंग्रेजी इलाके ते हमला कर दिता। हुण गवर्नर जनरल ऐलान करता है कि महाराजा दलीप सिंह दे जो इलाके सतलुज के खब्बे पासे अंग्रेजी राज वल हन उन्हां ते अंग्रेज पूरी तरह अपना कब्जा कर लैण। नाल ही गवर्नर जनरल ऐलान करता है कि उन्हां सारे जिमीदारां दी अते जगीरदार परिवारां दी अते सरदारां दे हक्कां दी राखी की जाएगी जो अंग्रेजी सरकार दे वफादार रहणगे। गवर्नर जनरल इस इलाके दे सतलुज दे खब्बे पासे इलाके दे जिथे महाराजा दलीप सिंह दा हक हुंदा है उस इलाके ते गवर्नर जनरल ऐलान करदा है कि सारे जिन्ने भी सरदार हन उत्थों दे जिमीदार हन वह अंग्रेजी सरकार नाल मिलन तां जो वह सारे मिल के वैरी नूं जिसने हमला कीता सी भाव सिख फौज ने उसनों सज़ा देण अते इस इलाके दा अमन कायम किया जाए। वह ऐलान करता है कि जो भी सरदार इस विच ईमानदारी अते वफादारी विखाउणगे उन्हां दी जगीर विच वाधा कीता जाएगा। इस दे नाल ही वह कहिंदा है कि जिहड़े दूसरा राह फड़नगे उसनों भारी सज़ा दित्ती जाएगी अते वह अंग्रेजी सरकार दे दुश्मन समझे जाणगे। सतलुज दे खब्बे पासे वाले इलाकां दे घरां विच यह सुना दिता जांदा है कि वह आराम नाल अपने घरां विच बैठे रहन उत्थे ही सरकार अंग्रेजी उन्हां दी राखी करेगी। हथियारबंद जथे जो अपनी होंद नूं ठीक तरह ना दस सकनगे उन्हां नाल बागियां वर्गा वर्तारा कीता जाएगा। सरकार अंग्रेजी की वह प्रजा जिन्हां दी जायदाद सतलुज दे खब्बे सज्जे पासे दोवें पासे है उन्हां दा जो भी नुकसान होवेगा जेकर वह अंग्रेजां दे वफादार रहणगे तां उन्हां दी पूरी भरपाई की जाएगी। इस दे उल्ट जेकर सतलुज दे खब्बे पासे वाली जगह जिथे अंग्रेजां दा कब्जा सी जेकर वह प्रजा लाहौर दरबार दे वफादार रहेगी तां उसकी सारी जिहड़ी जायदाद है वह जब्त कर ली जाएगी अते उन्हां नूं अंग्रेजी सरकार दा दुश्मन समझा जाएगा। इस ऐलान विच लार्ड हार्डिंग ने सुलह तोड़न दा दोष सिखां सिर थप्पिया सी ते नाल ही यह कहा है कि सिख बिना किसी कारण साढ़े इलाके ते चढ़ आए हैं। सिख फौजां दी लड़ाई का जवाब देने लई अंग्रेजी फौज अगे वधी है। उन्हां कहा है कि सिख फौजां ने यह लड़ाई बेवजह ही छेड़ी है। इसका उत्तर मेजर स्मिथ जो सिखां दी सरहद उत्ते अंग्रेजी पोलीटिकल एजेंट सी वह अपनी किताब विच लिखता है कि वह लिखता है कि ना तो सिखां ने बिना भड़काहट हमला किया है अते ना ही अंग्रेजां ने अंग्रेजी फौज ने अगों शांति वाला वर्तीरा किया है। वह कहिंदा है कि मेरी राय यह है कि एक वड्डी ताकत होने के कारण सानू सिखां नाल प्यार मुहब्बत वाला वर्तीरा करना चाहिए है। वह कहिंदा है कि मगर असां अजिहा ढंग अख्तियार किया है कि जिसनों शाही बोली विच हाकमाना ढंग कहा जाता है। जदों सिखां नूं साडा यह तरीका पसंद नहीं सी तां असां अगों कोई चंगा तरीका क्यों ना फड़िया। वह कहिंदा है कि जेकर असीं सिखां नूं पूरे आजाद मनते हाँ कि किसे लई भी वह जवाबदेही नहीं हन तां सानूं उन्हां नूं भड़कौणा नहीं सी चाहीदा। इस जंग लई अंग्रेज 4 साल तो तैयार हो रहे सन। 32,479 फौजी सतलुज दे कंढे ते अंग्रेजी इकट्ठे होए अते इस तों इलावा मेरठ दी फौज दिल्ली दी फौज अते होर बहुत फौजां जिहड़ियां वा उत्थे इकट्ठियां हुंदियां। कहा जांदा है कि उस समय सर लिटरल कोर फिरोजपुर विच 7,000 फौज अते 12 तोपां सन। लुधियाणा विच 5,000 फौज अते 12 तोपां सन। अंबाले विच लिटरल दे अधीन 10,000 फौज सी। मेरठ विच 9,000 फौज अते 26 तोपां सन। दसंबर दे आरंभ विच लार्ड हार्डिंग लुधियाणे ते सेनापति गफ अंबाले सी। अंबाले दी फौज सने गफ 12 दसंबर नूं उत्थों तुरिया अते राजपुरा सरहंद लुटाणा वधनी हुंदा होया
17 दसंबर सवेर नू बुसीन पुज गया। इत्थे ही लुधियाने की फौज सने लार्ड हार्डिंग आ मिलिया। इत्थे ब्राडफुट ने जंगी समान इकट्ठा किया होया सी। 17 दसंबर नू शाम दोवें चड़िक पुजे अते अगले दिन मुदकी लड़ाई जा आरंभी। आओ हुण सिख फौजां वल चलीए। उन्होंने 11 दसंबर नू सतलुज टप के सबरावां एक कच्चा किला तैयार कर लिया सी। 18 दसंबर नू इस दल दा एक धड़ा फिरोजपुर लागे जा धमकिया। फिरोजपुर दे सर लिटलर 7000 फौज नाल बैठा होया सी। इत्थे अंग्रेजां दा 45 लख दा खजाना अते बेअंत जंगी समान पिया होया सी। सिखां दा आउणा सुन के लिटलर घबरा गया, पर वजीर लाल सिंह दे खत ने यह तौलखा छेती ही दूर कर दिता। ओह निकलसन नू लिखता है कि आप नू पता होवेगा कि मैं अंग्रेजां दा मित्र हाँ। मैं खालसा फौजां दे नाल दरियाओ पार इत्थे आ गया हाँ। तुसीं दसो हुण मैनू की करना चाहीदा है। अगों अंग्रेजां वल्लों लाल सिंह नू उत्तर मिलता है कि जेकर आप अंग्रेजां दे मित्र हो तां आप फिरोजपुर ते हमला ना करो। जिन्नी देर हो सकती है यह करो कि फिरोजपुर ते हमला ना करो अते अपनी फौज जल्दी तो जल्दी गवर्नर जनरल दे सामने लै जाओ। लाल सिंह ने इस हुक्म नू रब्बी फरमान समझ के मन्या अते मुल खरीदे गोले वांग पूरा कीता। उसने खालसा फौजां नू फिरोजपुर ते हमला करन लई इस करके रोकिया। यह बहाना लाया कि खालसा फौज नू अंग्रेजां दे वड्डे दल ते हमला करना पवेगा। वह कहिंदा कि खालसा फौज अंग्रेजां दे वड्डे लाट नाल लड़े अते उस नू जां तां जिउंदा फड़ लवे अते जां मार दवे। छोटे अफसरां ते हमला करके असीं गुरु गोबिंद सिंह जी दी शान नूं नीवा नहीं कर सकदे। वह कहिंदा है कि शेरां दा काम शेरां नाल टाकरा करना है, ना कि कमजोरां उत्ते जुल्म करना। भोले ते निरछल सिख सिपाही इस चाल नूं समझ ना सके अते देश द्रोही वजीर लाल सिंह दे झांसे विच आ गए। इस तरह फिरोजपुर सिखां दी मार तों बच गया। मैक ग्रेरर लिखता है कि जेकर सिख फौज फिरोजपुर ते हमला कर देंदे तां सर लिटलर सिखां दे घेरे तों फिरोजपुर नूं ना बचा सकदा। सिख फौज वड्डियां वड्डियां तोपां नाल फिरोजपुर शहर नूं तिन्नां पासिआं तों घेरी बैठे सन। इत्थे लिटरल कोर बहुत घट गोरा फौज अते जंगी समान सी। हमले की जो सूरत हो सकती सी उसका अनुमान मुदकी ते फेरू शहर दीआं घमसान लड़ाइयां तो सौखा ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है। फेरू शहर की लड़ाई विच फिरोजपुर वाली फौज ने अपने बहादुर जरनैलों के मात हित विरोधी धड़े सिखां विरुद्ध एहो जिही बहादुरी दिखाई जिहो जी उन्हां नूं आस नहीं सी। अंग्रेज कहिंदे आ कि साडी खुशकिस्मती यह सी कि सिखां ने सतलुज दरिया पार करके फिरोजपुर ते हमला नहीं किया। जो सिख कर सकते सन वह यह है कि उस समय बारकां ते अंग्रेजी अफसरां दे बंगले साड़ दिंदे अते बाजार लुट लैंदे। उस समय शहर दे लोकां विच सख्त हफड़ा दफड़ी मची हुई सी अते सौखी ही लुटमार हो सकती सी, जिस करके खालसे खासकर अकाली मशहूर सन। उस समय जेकर महाराजा रणजीत सिंह हाकम हुंदा तां उह सब तों पहलां इह काम करदा कि अकालियां नूं अंग्रेजां दे अंडर आउंदे इलाकियां नूं लुट्टण अते उजाड़न दा काम दिंदा। पता नहीं यह सीधा जिहा ढंग खालसा फौज वल्लों उस समय क्यों नहीं वरत्या गया। सानूं यकीन है कि सिख लीडर अपनी सिख फौज नूं इकट्ठा रखना चाहुंदे सन। सरदार लाल सिंह अपनी मर्जी विरुद्ध लाहौरों निकलिया सी। जेकर वह अपनी फौज नूं सारे इलाके विच खिलार दिंदा तां लड़ाई बड़ी लंबी हो जाती। हुण इह राय मेजर स्मिथ दी है कि सिखां ने पहली भुल जो की कि उन्होंने फिरोजपुर ते हमला नहीं किया। असल विच खालस फौज की तजवीज़ यह सी कि सतलुज टपदियां ही एक पासे फिरोजपुर ते हमला कर दिता जाता अते दूसरे पासे लुधियाने ते हमला कर दिता जाता। इस करके एक दल सरदार लाल सिंह जो मौके का वजीर सी उसके हित विच फिरोजपुर अते दूसरा रणजोत सिंह दे हित विच लुधियाना भेजा गया सी। जेकर ये दोवें एकदम इकट्ठे हला बोल देंदे तां पंजाब दा इतिहास अज कुछ होर होना सी। फतेह हासिल करन दा तरीका यह सी कि लाल सिंह एकदम फिरोजपुर ते हमला करके उस नूं लुट लैंदा अते अपनी फौज नूं उपरले इलाके विच भेज दिंदा। रणजोत सिंह लुधियाने नूं फतेह करके अंबाले जा पैंदा अते अपनी फौज नूं दिल्ली वल तोर दिंदा। इस तरह पिछों
अंग्रेजी फौज का समान जो जंगी समान जो दिल्लियों आ रहा सी ओह खालसा फौज ने बड़ी आसानी नाल लुट लेना सी। इस तो बाद हो सकता सी कि मुदकी अते फेरू शहर दे पेड़ ना पेंदे। इस दलील की प्रोड़ता स्मिथ अपने मुखबंक तो इस तरह करता है, जदों रणजोर सिंह लुधियाणा कोल सतलुज टप पिया सी तां खब्बे पासे दी लंघ के साडे पिछले पासे आ गया सी। उहनू चाहीदा सी कि दिल्ली वाल नू तुरन दी बचाए उसनों पहला बद्दोवाल दे मोर्चे विच वड़ना चाहीदा सी अते फिर दरिया दे कंडे पिया रहिंदा। जे उह चाहुंदा तां उसदी घोड़सवार फौज मुल्क नू तबाह कर सकदी सी अते बर्फ दे गोले वांग खिलर जांदी। उह सौखा ही उहनां दस्तियां नू कैदी बना सकदा सी जो पिछे सड़क ते बिना सिक्का बरूद अते किसे ढंग दे हथियार नाल बैठा होया सी। इस तरह करन नाल फिरोजपुर लुधियाणा अते अंबाले दा जंगी समान जो अंग्रेजां ने रख्या होया सी अते होर कई तरह दा समान सिखां दे हत्थ आ जाणा सी अते फिर कोई भी शक्ति अंग्रेजां नू बचा नहीं सकदी सी। पर यह सब कुछ तां हुंदा जे सिख फौज दे लीडर देश भगत हुंदे तां उह अंग्रेजां नाल लड़ के फतेह हासिल करन लई नहीं सगों अपनी फौज नू उत्थे मराउण आए सन। मैकग्रेरर बिल्कुल सीधे शब्दों विच लिखदा है कि सिख लीडर अपने सिख फौजियां नू मराउणा चाहुंदे हन। अंग्रेजी इलाकियां उत्ते कब्जा करना उह इच्छा नहीं रखदे सन। हुण दसो जो लड़ाई इस धारणा नू मुख रख के लड़ी जावे उस नू हारन विच किन्ना क टाइम लगदा है। सिख फौजी वार वार जोर दिंदे रहे कि फिरोजपुर ते हमला किया जाए, पर लाल सिंह उस समय का सिख फौज का वजीर उन्हां नू वार वार टाली जा रहा सी। जद खालसा फौज आपे तो बाहर हो गई क्योंकि वह छेती तो छेती दुश्मन फौज नाल लड़ना चाहती सी, तां लाल सिंह उस नू नाल लै के मुदकी तुर पिया। लाल सिंह का इस काम लई इन्ना टाइम लगाउणा अंग्रेजां दी खुशकिस्मती सी। जेकर सिख फौज वालों ये हमला पहला कर दिता जाता तो अंग्रेजां कोल खाण पीन का समान सिक्का बरूद हस्पताल गड्डे ढोण लई समान वास्ते गड्डे ये सारा समान उस समय नहीं सी। हुण सिख फौज उस समय अंग्रेज फौज के सामने गई जदों अंग्रेज फौज लड़न लई बिल्कुल तैयार पर तैयार सी। इस तो पहला सिख अते अंग्रेज फौजां ने एक दूजे के हाथ नहीं सी वेखे। मुदकी की रेतली जमीन नू बहादुरां दे लहू नाल रंगन दा समां 18 दसंबर 1845 आ गया। एक पासे 11,000 अंग्रेजी फौज अते इन्नी कु ही सिख फौज एक दूजे नाल भिड़न वास्ते तैयार बर तैयार हो गई। हुण लड़ाई दे बिगण वजे अते धौंसियां दीआं चोटां लगीआं। एक पासिओं अंग्रेजां दा कौमी झंडा अते दूसरे पासे सिख फौजियां दा खालसा राज दा कौमी झंडा मैदान विच लहरा रहे सन। दोहां पासिआं तों तोपां दी छलक होई अते बहादुर सूरमे शहीदी दा जाम पीण लगे। पलां विच ही मुदकी दे खेत लहू नाल रंगे गए। चार सवेरे लोथां दे ढेर लग गए। अंग्रेजी अफसर अपनी फौज नूं अगे हो हो लड़ा रहे सन, पर दूसरे पासे सिख लीडर अपने करतवां नूं भुलदे जा रहे सन। इह सिखां अते अंग्रेजां दी पहली लड़ाई सी। अंग्रेजां ने अंग्रेजी फौज ने इस लड़ाई विच उस तरह ही हल्ला किया जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान के कई जरवाड़ियां अते राजां उत्ते हमला किया सी। पर छेती ही उन्होंने यह पता लग गया कि ऐतकी बराबर दे बहादुर अते सूरवीरां नाल पंगा पिया है। खालसा फौज ने हल्ले का उत्तर हल्ले भेज दिता। अंग्रेजी फौज लोहे की कंध नाल टक्कर खा के पिछे हटी ही सी जां सिखां ने उत्तों शेर वाई हल्ला बोल दिता। इस भुखे शीहे दे वार अगे अंग्रेजी फौज अड़ ना सकी। उसका एक हिस्सा नस के अपने ब्रिगेड के पिछे पासे जा लुकिया। यह वेख के लाल सिंह सहार ना सकिया। उहनू कदे परवाह नहीं सी कि सिख जित जाण। ਉਹ ਆਪਣੀ 4,000 ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਸਣੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਆਦਿ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੱਸ ਤੁਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੱਸ ਗਏ ਪਰ 6,000-7,000 ਖਾਲਸਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਗਫ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ
ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸੇ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਹੱਲੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੂਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹੀ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਰ ਘੜੀ ਰਾਤ ਗਈ, ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਆਪ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੁੱਧ ਨੇਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਪੈਣ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਵਾਜੇ ਵਜਾਏ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਤੋਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਪਈ। ਸਰ ਰਾਬਰਟ ਸੇਲ, ਸਰ ਜਾਨ ਮੈਕਸਕਲ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬੋਲਟਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 13 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ, 2 ਦੇਸੀ ਅਫਸਰ ਤੇ 200 ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 39 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ, 9 ਦੇਸੀ ਅਫਸਰ ਤੇ 600 ਸਿਪਾਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇਸ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ।